दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीके एजुकेटर में। दोस्तों आज की ये वीडियो इस यूपी स्कॉलरशिप 2019 के शैक्षिक सत्र के छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको स्कॉलरशिप और फीस वापसी का लाभ नहीं मिलने वाला है, वंचित रह जाएंगे वो छात्र यूपी स्कॉलरशिप और फीस वापसी से। तो जानिए कौन से छात्र वंचित होने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप और फीस वापसी पाने से। तो ऐसे छात्रों के लिए बुरी खबर है, लेकिन बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है। ऐसे छात्रों को नहीं मिल पाएगी फीस प्रतिपूर्ति और जो स्कॉलरशिप है, तो पूरी तरह से वंचित होंगे। तो पूरी न्यूज इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं, आप वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। आप वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करिएगा ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट जानकारी जो है आपसे मिस हो जाए, क्योंकि बहुत सारे छात्र वंचित होने वाले हैं स्कॉलरशिप से। तो ये स्टेटस आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए सारी चीज़ें हैं और जो ये फॉर्म है ये सब कुछ सही था, इनका रजिस्ट्रेशन भी हुआ था, कॉलेज से फॉरवर्ड भी हुआ था, इसके बाद बैंक से भी वेरीफाई हो गया था, और देखिए स्क्रूटनी रिजल्ट भी इस छात्र का बिल्कुल करेक्ट था। लेकिन करंट स्टेटस जो है वो रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है, और ये रिजेक्ट किया गया है 2 जनवरी को। 2 जनवरी को ही ये फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। देखिए ऊपर सब कुछ करेक्ट हुए भी फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ, इसका कारण देखिए यहाँ पर दिया गया है, रिमार्क ऑफ DWO डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन लिया था इस छात्र ने, इस वजह से इसका यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। अब इन छात्रों को ना स्कॉलरशिप मिल पाएगी और ना ही फीस वापसी। तो आप लोग भी अपना स्टेटस ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपका फॉर्म कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो गया। तो आपको स्टेटस कैसे चेक करना है अपना, तो वो मैं चलिए आपको बताता हूँ। तो आपको अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, वहाँ पर सर्च करना है fastjobsearchers.in। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने है fastjobsearchers.in, ठीक है। डॉट इन को ध्यान से देखिएगा, fastjobsearchers.in ही आपको ओपन करनी है, ठीक है। तो इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वेबसाइट इस तरह से कुछ ये ओपन होके आपके सामने शो होगी, ठीक है। तो बहुत सारी वेबसाइट है, लेकिन ये अच्छी वेबसाइट है आपकी यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड। आपको यहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2019-20 पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको नीचे जाना है, और नीचे जाके आप देखिए देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिए होगा बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, लॉगिन फॉर करेक्शन, करेक्शन के लिए, और यहाँ से आपको स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक कर सकते हैं। साथ ही बैंक के जरिए आप चेक कर सकते हैं PFMS से आपकी स्कॉलरशिप आई या फिर नहीं, ठीक है। यहाँ से नोटिफिकेशन भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं प्री मैट्रिक का, साथ में पोस्ट मैट्रिक का, और यहाँ से आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। तो सारी चीज़ें एक जगह आपको मिल जाती हैं इस वेबसाइट पे। तो देखिए आपको स्टेटस अपना चेक करना है, जैसे कि बताया कि कहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक स्कॉलरशिप स्टेटस फॉर ऑल कैंडिडेट्स, तो क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है आपको। जैसे आप क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा स्टेटस वाले पेज में, जहाँ से आप अपना स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी चुन लेनी है, अगर आप फ्रेश स्टूडेंट्स हैं तो ये ऊपर वाला जो कॉलम दिख रहा है इसमें प्री मैट्रिक, फ्रेश, पोस्ट मैट्रिक, इंटर फ्रेश और पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटर फ्रेश, ठीक है, पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट फ्रेश। लेकिन अगर आप रिन्यूअल वाले हैं तो आपको नीचे वाले बाक्स से चुनना है प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटर रिन्यू, पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट, जो भी हो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए हम चलिए सेलेक्ट करते हैं पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटर रिन्यू। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने खुल के आएगा ये। तो देखिए यहाँ पर ये आपका आवेदन का प्रकार नवीनीकरण और ये पाठ्यक्रम का प्रकार दसमोत्तर अपने आप फिल रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या फिल करनी होगी सत्र 2019-20 की। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी, जन्मतिथि, ठीक है। और जन्मतिथि जो फिल करने का तरीका क्या होगा, मान लीजिए आपकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1995 है तो आप ऐसे फिल करेंगे 1/1/1995, ये फार्मेट है, यहाँ पर दिया भी गया है आप देख सकते हैं DDMM और 4 बार Y, ठीक है। यहाँ पर अपना पासवर्ड आपको डालना है, जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था उस समय आपको एक पासवर्ड जनरेट हुआ होगा, तो यहाँ पर आपको वो पासवर्ड, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैप्चा कोड शो हो रहा है आपके सामने, तो ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर
कर देना है फिल, और उसके बाद यहाँ नीचे जाके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है और आपका स्टेटस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना स्टेटस चेक कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन लेने वाले छात्रों के जो फॉर्म हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। तो हमने आपको ऑलरेडी बताया, और जो ये न्यूज़ आज आप देख रहे हैं कि जिस वजह से आपके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, ये न्यूज़ हमने बहुत पहले अपने चैनल पर दी थी। चलिए फिर से आपको वही नोटिस दिखाते हैं। तो ये स्टेटस आपने देखा कि ये रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, रिमार्क ऑफ DWO जो दिया गया है डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के द्वारा, जो बताया गया है कि ये डायरेक्ट एडमिशन की वजह से ये फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हैरानी की बात यह है कि इस स्टूडेंट की सारी चीज़ें सही थी, बहुत सारे स्टूडेंट का स्क्रूटनी रिजल्ट सस्पेक्ट है, लेकिन इनका वो भी करेक्ट था, सारी चीज़ें ऊपर से लेकर नीचे तक सही थी, लेकिन फिर भी रिजेक्ट हुआ। और उसका कारण क्या था? डायरेक्ट एडमिशन लेना, काउंसलिंग से एडमिशन ना लेना। तो चलिए अब इसका जो हमने पहले ही आप लोगों को सूचना दी थी इस बारे में, नोटिस के जरिए वीडियो हमने बनाई थी सबसे पहले यूट्यूब पर, तो कई लोग जो है गाली भी उसमें हमको दे रहे थे, लेकिन वो देखिए हमारी बात सही निकल रही है कि नहीं, चलिए आपको चेक करवाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यही नोटिस हमने पहली वीडियो बनाई थी, और वो वीडियो बनाई थी हम लगभग सितंबर या अक्टूबर में, हमने वो वीडियो आप लोगों के सामने अपलोड की थी चैनल पर। देखिए इसमें स्पष्ट लिखा है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ से संबंध शैक्षणिक संस्थानों के उन्हीं छात्र छात्राओं को दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति देय होगी जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से काउंसलिंग के आधार पर प्रवेश लिया गया हो। जब हमने ये न्यूज़ दी थी तो कुछ छात्रों ने कमेंट किया था वीडियो पे कि सर ये तो केवल APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय APJ अब्दुल कलाम वाली यूनिवर्सिटियों के लिए है बस, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर किसी भी छात्र ने किसी भी कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन लिया है बगैर काउंसलिंग के, जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं जिनमें काउंसलिंग से एडमिशन होता है, तो उनके फॉर्म जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी के द्वारा। आपके सामने हमने प्रूफ दिखाया था, स्टेटस फिर से दिखाएंगे, और नीचे अभी और देखिए आप पढ़िए आप कि मैनेजमेंट कोटा स्पॉट एडमिशन डायरेक्ट एडमिशन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थान में प्रवेशित छात्र, यानी मैनेजमेंट कोटा या फिर स्मार्ट स्पॉट एडमिशन या फिर डायरेक्ट एडमिशन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्रवृत्ति के पात्र नहीं होंगे। कोई भी संस्थान ऐसे छात्रों का डाटा छात्रवृत्ति हेतु अग्रसारित नहीं करेंगे, ठीक है। वहाँ से स्पष्ट आदेश था कि कोई भी कॉलेज जो है वो कॉलेज को ही नहीं ऐसे छात्रों का डाटा फॉरवर्ड करना है, लेकिन कॉलेजों ने तो डाटा फॉरवर्ड कर दिया, समाज कल्याण विभाग को, डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी तक पहुंच गया सभी छात्रों का डाटा, डायरेक्ट वालों का भी, लेकिन वहाँ पर अंत समय में जाकर DWO के द्वारा उसको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। और ये पहले ही जो इंस्ट्रक्शन आए थे, हमने सबसे पहले आपको वीडियो बना के वीडियो के माध्यम से आपको सुनिश्चित रूप से हमने अवगत करवा दिया था, लेकिन कुछ छात्रों को विश्वास नहीं हो रहा था हमारी बातों पर। तो देखिए यहाँ पर आप अच्छे से हमने आपको समझाया कि मैनेजमेंट कोटा स्पॉट एडमिशन डायरेक्ट एडमिशन के अंतर्गत जिन भी छात्रों ने शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लिया है तो वो छात्रवृत्ति के पात्र नहीं होंगे। नियमावली में साफ लिखा था इस बार UP स्कॉलरशिप के, पिछले सत्र तक ये कोई व्यवस्था नहीं थी, डायरेक्ट एडमिशन वालों को भी स्कॉलरशिप और फीस वापसी मिलती थी, क्योंकि BEd में हमने स्वयं डायरेक्ट एडमिशन लिया था और हमको फीस वापसी और स्कॉलरशिप मिली थी। देखिए जो ये बड़े कोर्स होते हैं BEd BTC इन्हीं में काउंसलिंग के जरिए एडमिशन होता है, फीस इनकी बड़ी होती है, तो डायरेक्ट एडमिशन लेने वाले छात्रों को अगर फीस वापसी और स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी तो उनके लिए ये काफ़ी बुरी खबर है, सैड न्यूज़ है। और चलिए एक बार फिर से आपको वही स्टेटस दिखा दें, तो वहाँ देख लीजिए जो निर्देश दिए गए थे उसी निर्देश के हिसाब से यहाँ पर रिमार्क जो लगाया है डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर ने, वो ये लगा दिया है कि डायरेक्ट एडमिशन है, इसी वजह से इनका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है, अन्यथा आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक इनके फॉर्म में कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं थी। तो ये स्पष्ट है अब कि डायरेक्ट एडमिशन लेने वाले छात्रों को या स्पॉट एडमिशन और या फिर बिना काउंसलिंग के एडमिशन लेने वाले प्रोफेशनल कोर्सेज में बिना काउंसलिंग के एडमिशन लेने वाले किसी भी छात्र को स्कॉलरशिप और फीस वापसी नहीं मिलेगी शैक्षणिक सत्र 2019-20 में। तो उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ आपको समझ में आई होगी, अच्छी न्यूज़ तो नहीं है आप लोगों के लिए, बुरी खबर है, लेकिन फिर भी न्यूज़ देना हमारा काम है। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि सबको मालूम हो, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें UP स्कॉलरशिप की किसी भी अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए।